फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कैसे हैं आप सब आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे ये देखिए मैंने ये चार नंबर कानाजी की ड्रेस बनाई है इस तरीके से गोल्डन कलर की मोती लगा दिए हैं तो चलिए इस वीडियो को देख लेते हैं वीडियो देखने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए बेलाइकन भी जरूर प्रेस कीजिएगा इस तरीके की नई नई वीडियोज देखने के लिए चलिए शुरू करते हैं आज हम ये पिंक कलर की ड्रेस बनाएंगे ये मैंने पिंक कलर की चोली बना ली है चार नंबर का कानाजी की ड्रेस है ये बारह नंबर के क्रोशिया हुक यूज़ करती हूँ मैं तो ये चार नंबर का कानाजी की चोली बना ली है और मैंने कई सारी वीडियोज में दिखाया हुआ है इसलिए इसको नहीं दिखाया है और इसमें मैंने सबसे ऊपर पहले हमने सोलह चेन ली फिर तीन चेन ली उन्हीं तीन चेन को स्किप करके हर एक चेन में एक एक डबल क्रोशिया किया तो हमारे पास टोटल सत्रह डबल क्रोशिया आए सेकेंड राउंड में हमने फर्स्ट चेन में देखिए तीन की चेन रहने दी और आगे हर एक चेन में दो दो डबल क्रोशिया करते हुए लास्ट में भी हमने एक रखा है तो सत्रह दूनी होते हैं चौंतीस थर्टी फोर लेकिन यहाँ पे हमारे आए थर्टी टू यानी बत्तीस आएंगे थर्ड राउंड में हमने देखिए थर्ड राउंड में हमने पहले में तीन की चेन बनाई नेक्स्ट में दो डबल क्रोशिया एक चेन में एक डबल क्रोशिया एक में दो एक में एक एक में दो इस तरीके से डिवाइड किया है आगे अब हम फोर्थ राउंड में आ गए फोर्थ राउंड में देखिए छः हमने सामने रखे हैं तेरह पीछे यानी पच्चीस हो गए ये और ग्यारह ग्यारह हमने दोनों बाजुओं में तो ये देखिए हमारे फोर्टी सेवन हो गए थे थर्ड में तो ये फोर्थ राउंड में हमारे इस तरीके से डिवाइड हो गए पच्चीस ये हो गए छः छः आगे और तेरह पीछे तो ये पच्चीस हो गए ग्यारह ग्यारह दोनों बाजुओं में तो ये इस तरीके से डिवाइड हो गए पच्चीस पे हमने पच्चीस डबल क्रोशिया फिफ्थ राउंड में किए हैं इतनी बड़ी मैं चोली बनाती हूँ चार नंबर का नाजी के लिए अगर आपका ढीला टाइट जैसा भी हाथ चलता हो एक आध स्टेज जो है कम ज़्यादा कर सकते हैं और देखिए अब हम इस तरीके से स्लिप स्टिच करते हुए साइड में जाएंगे किसी भी डिज़ाइन को शुरू करने से पहले हम आर्महोल की साइड चले जाते हैं वहीं से शुरू करते हैं क्योंकि ये तीन की जो चेन आती है तो थोड़ा सा कम अच्छी लगती है वो सामने पड़ती है तो तो यहाँ साइड में यहाँ से हम स्टार्टिंग करते हैं तो आर्मोहौल की साइड हम आ चुके हैं यहाँ पे हम पहले तीन चेन बनाएंगे देखिए इसी चेन में एक डबल क्रोशिया और बनाएंगे फिर नेक्स्ट चेन में हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे इसके नेक्स्ट हम दो डबल क्रोशिया बनाएंगे तो हमें इस तरीके से अपना ये राउंड जो है कंप्लीट करना है एक चेन में दो डबल क्रोशिया एक चेन में एक डबल क्रोशिया देखिए फ्रेंड्स हमारा ये राउंड कंप्लीट हो गया थर्ड में जा करके चेन में जा करके थर्ड चेन में जाकर स्लिप स्टिच करके ज्वाइन करेंगे यहीं पे तीन चेन बनाएंगे इसी चेन के अंदर एक बार डबल क्रोशिया करेंगे और देखिए चोली के एंड में हमारे पास ट्वेंटी फाइव थे तो हमने एक चेन में दो बार और एक चेन में एक बार लिया है तो ये हमारे थर्टी सेवन हो गए हैं देखिए हमारे पास ये थर्टी सेवन हो गए हैं दो हमने एक या तीन की चेन में एक डबल क्रोशिया काउंट करेंगे एक डबल क्रोशिया बनाया दो चेन बनाएंगे और इसी चेन के अंदर फिर से दो डबल क्रोशिया बनाएंगे फिर दो चेन बनाएंगे एक चेन दो तीन तीन चेन स्किप करेंगे देखिए एक दो तीन चेन स्किप करेंगे चौथी चेन में इसी तरीके की कली बनाएंगे दो डबल क्रोशिया दो चेन सेम चेन में दो डबल क्रोशिया फिर से और तो दूसरी कलियों के, के जाने के लिए फिर से दो चेन बनाएंगे और नीचे तीन चेन दो तीन चेन स्किप करेंगे चौथी चेन में कली बनाएंगे तो इस तरीके का हमें ये पैटर्न फॉलो करते हुए ये राउंड कंप्लीट करना है ये मैं कर लेती हूँ देखिए फ्रेंड्स हमारी ये नौ कलियाँ बनी हैं एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ नौ बनी है थर्टी सेवन थे हमारे पास तो चार को हम उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो चार नम छत्तीस तो देखिए एक हमारी स्टेज जो है क्योंकि हमारे पास थर्टी सेवन थे तो देखिए तीन के बाद चौथे में वर्क करते हैं तो यहाँ पे चार बचे हैं चारों को छोड़ देंगे स्किप कर देंगे और ये जो तीन की जो चेन है इसमें ये जो हमारी थर्ड वाली जो चेन है थर्ड थ्री की जो चेन बनाई इसके थर्ड चेन में जा करके स्लिप स्टिच करके ज्वाइन करेंगे फिर से नेक्स्ट चेन में हम स्लिप स्टिच करते हुए जाएंगे देखिए यहाँ पे यहाँ पे स्लिप करके पहुंच गए यहाँ पे हम वर्क करेंगे एक दो तीन चेन बनाएंगे फिर हम सेंटर में आए दो डबल क्रोशिया बनाए दो चेन बनाई इसी में फिर से दो डबल क्रोशिया बना दिए और एक देखिए हमने एक्स्ट्रा इधर बनाया है अब इधर भी एक से एक्स्ट्रा बनाएंगे इसके बगल वाली जो डबल क्रोशिया है उसकी चेन में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे फिर से दो चेन बनाएंगे देखिए चार हैं ये हमारे फर्स्ट वाले को नहीं बनाना है सेकंड वाले में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे सेंटर में आए यहाँ पे दो डबल क्रोशिया दो चेन दो डबल क्रोशिया करो एक ये जो डबल क्रोशिया है इसके चेन में एक डबल क्रोशिया और बनाएंगे दो चेन बनाएंगे और आगे के कली में जाएंगे तो देखिए इस तरीके से होगा पहले हमारे चार थे अब यहाँ पे हमारे छह स्टिच हो जाएंगे तो मैं इसी तरीके से ये वर्क कंप्लीट करूंगी इस राउंड देखिए फ्रेंड्स हमारे ये राउंड कंप्लीट हो गया थर्ड चेन में जा करके हम स्लिप स्टिच करके पहले ज्वाइन कर देंगे और देखिए इसकी चेन में सेकेंड वाली चेन में एक दर, ये जो तीन की चेन है ये इसको तो छोड़ देंगे देखिए सेकंड डबल क्रोशिया के चेन में आ गई पहले हमने तीन चेन बनाई एक डबल क्रोशिया काउंट गई है। नेक्स्ट में भी एक डबल क्रोशिया देखिए पहले हमने ये कली से अलग एक डबल क्रोशिया बनाया था अब ये वाली छोड़ दी और इन दोनों के बीच में एक डबल क्रोशिया बना लिया अब बीच में फिर से कली को ही बनाएंगे दो दो चेन फिर दो डबल क्रोशिया देखिए इस तरीके से दो डबल क्रोशिया आगे अब ये देखिए तीन डबल क्रोशिया तो एक साइड वाले को छोड़ेंगे इन दोनों पर एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे फिर से दो चेन बनाएंगे फर्स्ट डबल क्रोशिया को छोड़ेंगे सेकंड वाली में एक डबल क्रोशिया उसके अगले वाली में एक डबल क्रोशिया कली के अंदर कली दो डबल क्रोशिया दो चेन दो डबल क्रोशिया एक डबल क्रोशिया दो चेन देखिए इस तरीके से हमें अपना ये राउंड कंप्लीट करना है देखिए फ्रेंड्स हमारा ये राउंड कंप्लीट हो गया थर्ड चेन में जा करके स्लिप स्टिच करके ज्वाइन करेंगे इस चेन में आगे कुछ नहीं बनाएंगे इसके नेक्स्ट चेन में स्लिप करते हुए यहाँ गए यहाँ पे हमने तीन चेन बनाई देखिए ये वाले हमारा एक डबल क्रोशिया इधर छूट गया नेक्स्ट चेन में हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे उसके नेक्स्ट नेक्स हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे टोटल हमने तीन डबल क्रोशिया बनाए दो जहाँ चेन है वहां पे फिर से वही कली बनाएंगे दो चेन दो डबल क्रोशिया, दो चेन और फिर से दो डबल क्रोशिया, दो डबल क्रोशिया, दो चेन दो डबल क्रोशिया। जैसे हम पहले से बनाते आ रहे हैं कली हमें ऐसे ही बनानी है पहले हमने यहाँ पे एक एक डबल क्रोशिया इधर से एक बनाया था फिर दो हो गए अब यहाँ पे देखे तीन हो गए कली को हम ऐसे ही बनाएंगे फिर से देखे एक डबल क्रोशिया फिर नेक्स्ट चेन में एक डबल क्रोशिया उसके नेक्स्ट फिर से एक डबल क्रोशिया तो कली से अलग हमने तीन डबल क्रोशिया बनाए इधर फिर से दो चेन बनाएंगे तीन चेन में तीन डबल क्रोशिया बना लिए इधर साइड में एक चेन छोड़ दिए सेंटर में हम कली बना लेंगे वही दो डबल क्रोशिया दो चेन दो डबल क्रोशिया इस तरीके से हमें अपना ये राउंड कंप्लीट कर लेना है देखिए फ्रेंड्स हमारा ये राउंड कंप्लीट हो गया राउंड के एंड में आ गए ये जो हमने तीन की चेन बनाई थी थर्ड चेन में जा करके स्लिप स्टिच करके ज्वाइन करेंगे और स्लिप करके नेक्स्ट क्रोशिया में जाएंगे डबल क्रोशिया में यहाँ पर तो हमने यहाँ पर कहीं पर भी स्टार्टिंग से फर्स्ट वाले डबल क्रोशिया को छोड़ा है इसमें वर्क नहीं किया है सेकेंड वन से ही हम वो वर्क कर रहे हैं अपना तो यहाँ पे पहले तो हम तीन चेन बना लेंगे ये हमारी डबल क्रोशिया की हाइट की हो गई इसके नेक्स्ट हम तीन चेन और बनाएंगे तो छः चेन बनाई है हमने इन्हीं तीन चेन को छोड़ के चौथी चेन में इस तरीके से निकाला सिंगल क्रोशिया बना दिया तो ये हमारा ऐसे पर्ल बन जाएगा धागा लेंगे अब ये जो डबल क्रोशिया है इसकी चेन में वर्क नहीं करेंगे ऐसे पूरा लेकर के डबल क्रोशिया बनाया पहले फिर से हम एक दो तीन चेन बनाएंगे और देखिए इस क्रोशिया को डबल क्रोशिया के ऊपर से ऐसे ले करके सिंगल क्रोशिया कर देंगे तो ये हमारा ऐसे पर् स्टिच हो जाता है धागा लेंगे फिर से नेक्स्ट में गए यहाँ पे पहले डबल क्रोशिया किया फिर से तीन चेन बनाई और ऐसे डबल क्रोशिया के अंदर से ले जा करके के सिंगल क्रोशिया कर दिया तो ये हमारा देखे इस तरीके से स्टिच बनेंगे धागा लेंगे फिर से डबल क्रोशिया किया तीन चेन बनाई ये वाला जो डबल क्रोशिया इसके बीच में से ले जा करके के सिंगल क्रोशिया कर दिया फिर से धागा लेंगे अब देखिए ये जो हमारी कली थी उसके सेंटर में आ गए जिस कली को हम बनाते हुए आ रहे थे तो यहाँ पर एक डबल क्रोशिया किया एक दो तीन चेन बनाई इस डबल क्रोशिया के अंदर से ऐसे सिंगल क्रोशिया देखिए सेंटर में है हम एक डबल क्रोशिया हमारा हो गया अब देखिए हम दो बार धागा लेंगे बल्ले लिया दो बार इसी में हम एक ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे पहले एक बार दो बार और ये तीन बार तीन बार हमने ये होता है हमारा ट्रिपल क्रोशिया इसके बाद फिर से तीन चेन और ये इसके बीच में ऐसे ले जा करके सिंगल क्रोशिया कर दिया फिर से हम धागा लेंगे और इसी जगह पर एक डबल क्रोशिया और बनाएंगे तो देखिए हमने सेंटर में तीन टोटल बनाए हैं स्टिच एक डबल क्रोशिया एक ट्रिपल क्रोशिया और एक डबल क्रोशिया फिर से हम तीन चेन लेंगे और देखिए डबल क्रोशिया के ऐसे बीच से जा करके सिंगल क्रोशिया कर देंगे देखिए इस तरीके से हमारा ये बन जाता है धागा लेंगे एक दो तीन से लेंगे तो देखिए मैं इसी तरीके से बनाते हुए यहां तक आ जाती हूँ फिर देखिए फ्रेंड्स हम एंड में आ गए देखिए यहां पे बना लिया तीन के चेन बना दी अब देखिए मैंने एक चेन ली और ये हमने दो दो चेन रखी थी ना चार हैं ये हमारे इनको यहाँ से नीचे से ले करके ऐसे थोड़ा सा लंबा खींच करके इसको इस तरीके से ले लेंगे पहले हम एक चेन ले लेंगे इसके बाद फिर हम ये दो को एक साथ निकाल देंगे देखिए इस तरीके से फिर से एक चेन ले लेंगे और देखिए ये जो हमारे डबल क्रोशिया हैं इनके बीच से जा कर के एक डबल क्रोशिया बनाएंगे तीन चेन और इसके यहाँ पे ले जा करके सिंगल क्रोशिया कर देंगे तो ये हमारा पर्ल स्टिच बन जाएगा नेक्स्ट फिर से हम डबल क्रोशिया तीन चेन और यहाँ पे ये पर्ल स्टिच इस तरीके से हमें देखिए फ्रेंड्स हम फिर से यहाँ पे आ आगे एक बार और मैं दिखा देती हूँ आपको तो देखिए सबसे पहले हमने एक चेन बना ली देखिए हमने ऐसे डबल क्रोशिया उस पर तीन चेन करके पर्ल स्टिच बनाते हुए लाए हैं तो लास्ट में हमने एक चेन बना लेते हैं फिर यहाँ से ये जो दो दो की चेन है, चार हैं चार जगह हैं इनमें से सबसे फर्स्ट वाली को ले के इस तरीके से धागा लेके पहले फर्स्ट एक धागा निकाल देते हैं फिर दो ये देखिए दो हैं हमारे क्रोशिया हुक पे लगे दा, तो इन दोनों को एक साथ निकाल देते हैं फिर से एक चेन लेते हैं और नेक्स्ट में वर्क करना स्टार्ट कर देते हैं डबल क्रोशिया के बीच में डबल क्रोशिया करके और उस तरीके से स्टिच बनाने देखिए फ्रेंड्स हम बिल्कुल एंड में आ चुके हैं जैसे हम पहले कर रहे थे वैसे ही हम इसको भी ऐसे हम एक सिंगल क्रोशिया लेंगे पहले एक को निकाल देंगे फिर इन दोनों को निकाल देंगे तो ये हमारा ऐसे बन जाएगा और देखिए जब अब देखिए यहाँ पे एकदम ऐसे है जहाँ से हमने स्टार्ट किया था ये जो तीन की जो चेन है इसकी थर्ड चेन में जा कर के स्लिप स्टिच करके ज्वाइन करेंगे एक चेन लेकर के धागा कट करेंगे और इस धागे को सिक्योर करेंगे देखिए फ्रेंड्स हमारी बनने के बाद ड्रेस कुछ ऐसी दिख रही है ये कंप्लीट बन चुकी है अब इस पे देखिए मैं ना मोती लगा रही हूँ और ये देखिए प्रफिक है पूरा ये छः नंबर की गोल्डन कलर की होते हैं इनको लगाने के लिए मैंने ये देखी छोटी वाली ली है पिंक कलर का धागा डाला है इसमें और देखिए मैं यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ मैं बिल्कुल देखिए चोली के पास जहाँ से हमने पहली कली स्टार्ट करी थी देखिए यहाँ पे यहीं से शुरू कर रही हूँ यहीं से लगाना स्टार्ट करेंगे देखिए और सिंपल ऐसे ही देखिए ऐसे हर एक कलीमे में ऐसे इस तरीके से लगा लूँगी फ्रेंड्स बनने के बाद ड्रेस हमारी कुछ इस तरीके की दिख रही है फ्रेंड्स ये देखिए मैंने गोल्डन कलर की मोती इसके ऊपर लगा दिए हैं और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मिलते हैं एक नई वीडियो में तब तक ले बाय टेक केयर थैंक्स फॉर वॉचिंग